चलो नितिन की क्लासेस। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो सॉक्स लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा सॉक्स है। प्लेन कलर में मैंने इसको बनाया है, सिंगल शूज़ के साथ पहनने के लिए। वाइट क्रीम कलर का आप बना सकते हैं, मैंने इसको लाइट कलर में बनाया है। और आगे वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है इसको किस तरह से बनाना है। ये नॉर्मल बेसिक सॉक्स है, जैसे कि ऊपर घुटने से नीचे तक आता है, जो पहले हुआ करते थे ना बेसिक, आजकल तो एंकल तक चलते हैं, लेकिन फुल लेंथ वाला है। तो ये 4-5 साल के बच्चे का साइज है, ठीक है, आराम से ये 3 साल से लेके 5 साल तक के बच्चे को आ जाएगा, मैंने जो आपको वीडियो में बताया है ये वाला साइज। आगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया इसको किस तरह से बनाना है। और गाइज, मेरा जो दूसरा चैनल है मेकअप स्टाइल विद अर्चना, एक बार आप उसे भी विजिट करके देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे मैं मेकअप ट्यूटोरियल्स अपने ब्लॉग बच्चों के साथ और अपनी फैमिली के साथ और सारा कुछ शेयर करती हूँ, DIY और मेकअप काफ़ी सारे वीडियोज़ वहाँ शेयर करती हूँ। आप एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और गाइस, इस सॉक्स में जो वूल है करीबन 38 ग्राम टोटल वूल लग गई है दोनों सॉक्स में, ठीक है, ज़्यादा वूल नहीं लगी है, 38 ग्राम ऊन में दोनों सॉक्स बन के कम्प्लीट हो गए हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे एड़ी बनाई है और पंजा भी देखिए इस तरह से बनाया है। तो चलिए फिर इसका देख लेते हैं वीडियो, इसको किस तरह से बनाना है। बनाने के लिए मैं यहाँ पे ये बेबी वूल का यूज़ कर रही हूँ, वर्धमान की वूल है नॉर्मल। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं 10 नंबर की सिलाई लूँगी और उस पर मैं ऊन को देखिए इस तरह से डबल करके 40 फंदे डाल लूँगी, ठीक है। ये देखिए, 2, 3, 4 इस तरह से मैं 40 फंदे यानी कि 40 स्टिचेस डाल लूँगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये 40 फंदे डाल लिए। अब यहाँ पे आ गई हूँ मैं बैक साइड से, अब 2 उल्टे 2 सीधे का बॉर्डर बनाऊँगी मैं। कई बार मैंने अपने चैनल पे ये 2 उल्टे 2 सीधे की रिप बताई हुई है। देखिए 2 फंदे उल्टे 2 फंदे इस तरह से देखिए सीधे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, 2 फंदे उल्टे धागा पीछे की तरफ, 2 फंदे सीधे, इसी तरह से पूरी लाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में ये हमारे पास 2 सीधे आ गए, ठीक है। अब फ्रंट साइड पे आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें जो फंदा जैसा दिख रहा होगा हम वैसा बनाएंगे। स्टार्टिंग में 2 फंदे हमें देखिए यहाँ पे उल्टे दिख रहे हैं, तो हम इन्हें उल्टा बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप करके दूसरा फंदा हम उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे ले जाके 2 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ लाके 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे ले जाएंगे 2 फंदे सीधे, यानी कि दोनों तरफ से फ्रंट और बैक दोनों साइड से 2 उल्टे 2 सीधे बनाते हुए मैं ऐसी करीबन 8 से 10 लाइन कंप्लीट कर लूँगी। फिर आपको देखिएगा मैंने यहाँ पे 2x2 का ये बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। दो यहाँ पे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे मैंने बनाए हैं दोनों तरफ से। अब इसके मैंने करीबन 12 सिलाइयाँ बनाई हैं बॉर्डर की, ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या करना है ये देख लीजिए। सबसे पहले हमारे पास यहाँ 40 फंदे हैं, है ना। अब हम यहाँ पे 2 फंदे बनाएंगे, मैं यहाँ 42 फंदे से इस सॉक्स को बनाऊंगी। एक फंदा स्लिप करूंगी, कहीं भी किसी भी जगह हम 2 फंदे बढ़ा लेंगे। एक फंदा मैं यहाँ बढ़ा लूंगी, देखिएगा, है ना। अब हम फ्रंट साइड पे है ना, तो इसको हम सीधा ही बुनेंगे। एक फंदा ये बढ़ गया, एक फंदा कहीं भी बीच में या साइड में यहाँ पे हम बढ़ा लेंगे। तो देखिए इस तरह से पूरी सिलाई को हम सीधा बनाते हुए जाएंगे इस तरह से। बस इसी सिलाई में हम फंदे बढ़ा रहे हैं। अब नेक्स्ट सिलाई में हम बिल्कुल फंदे नहीं बढ़ाएंगे, 2 ही फंदे बढ़ाने हैं, यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इस तरह से देखिए पूरी सिलाई को हम सीधा बना के कंप्लीट करेंगे फ्रंट साइड से, और उल्टी साइड से हम पूरी सिलाई को उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। देखिएगा एक फंदा हम स्लिप कर लेंगे इस तरह से और पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। इसके बाद ना हम फ्रंट साइड पे आएंगे तो पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे, फिर यहाँ पे रॉन्ग साइड से ये सिलाई उल्टी बनाएंगे।
जैसे मैं आपको ये दो सलाइयाँ बता रही हूँ सेम वैसे ही बनाना है ना। और अब की बार सीधी सिलाई पे या आगे फंदे नहीं बढ़ाने हैं, खाली हमने दो फंदे बढ़ाने थे ना, 42 फंदों से ये पूरा सॉक्स बनाना था, इसलिए हमने दो फंदे इसमें बढ़ाए थे। देखिएगा इस तरह से पूरी सिलाई उल्टी बनाती हुई जाएंगे, ये देखिए। और गाइस एक चीज़ और शेयर करनी थी, मेरा जो दूसरा चैनल है मेकअप स्टाइल विद अर्चना, एक बार आप उस पर विजिट करके देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे मैं DIY शेयर करती हूँ, अगर आपकी स्किन में कोई भी परेशानी, बालों से रिलेटेड कोई भी समस्या है, ब्लॉग्स बनाती हूँ मैं, मेरे डेली ब्लॉग्स अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आप मेरे उस चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पे मैं काफ़ी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करती हूँ, आप एक बार विजिट कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, या निटिंग से भी ज़्यादा। तो देखिए इस तरह से मैं फिर से ये सीधी सिलाई बना रही हूँ, कोई फंदा नहीं बढ़ाना है हमें। और इस तरह से सीधा उल्टा दोनों साइड से बनाते हुए मैं यहाँ पे 38 लाइन्स टोटल बना लूंगी, ठीक है। दो लाइन्स मैंने बना ली, तीसरी लाइन ये है, और इन तीनों को मिला के 38 यानी 38 लाइन्स में बनाऊंगी। आप 40 भी बना सकते हैं, जितना लंबा करना चाहे उतनी बना सकते हैं। तो अब आप ये देखिएगा, मैंने यहाँ पे सीधा सीधा बनाते हुए, इधर से सीधा, इधर से उल्टा बनाते हुए करीबन 38 लाइन यानी कि 38 लाइन्स ये बना के कंप्लीट कर ली है, ठीक है। बॉर्डर के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक 38 लाइन्स हैं, और मेरे पास यहाँ पे देखिए काउंट 42 स्टिचेस हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे फ्रंट साइड से हूँ, मैं आधे आधे फंदे डिवाइड कर लूँगी, ठीक है। 21 फंदे इधर रखूँगी, 21 फंदे मैं इधर रखूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये 21 फंदे इस तरह से सिलाई में बुन लिए, इसके बाद इधर रह गए 21 फंदे। तो अब की एड़ी हम यहाँ पे इस तरफ बनाएंगे, क्योंकि जो दूसरा पार्ट है आप देखिएगा, एक बार एड़ी आपको इस पार्ट में बनानी है, एक बार एड़ी यहाँ पे बनानी है। मैं आपको इसका दूसरा पैर दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ पे आप इस तरह से हम दोनों को सीधा रखेंगे, तो इधर देखिएगा एड़ी मैंने यहाँ पे बनाई है, अब की बार एड़ी मैं यहाँ बनाऊंगी, ठीक है। देखिएगा किस तरह से, देखिए दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हम एक ये मार्कर डाल देंगे इस तरह से, ठीक है। इधर के फंदे हमें नहीं बुनने हैं, ठीक है। और इसको हमें क्या करना है, हर सिलाई पे एक फंदा हमें इधर से छोड़ना है, एक इधर से छोड़ना है, जो कि बुनना नहीं है। तो पहले तो हम बुन लेंगे यहाँ पे पहली सिलाई है इस तरह से, लास्ट में हम एक फंदा छोड़ेंगे, ठीक है। देखिएगा इस तरह से, अब देखिए ये लास्ट का फंदा हम नहीं बुनेंगे, इसको सिलाई पे ऐसे ही उतार देंगे, रॉन्ग साइड आ जाएंगे। तो देखिए ये फंदा हमने जो उतारा था उसको ऐसे ले लेंगे, उसके बाद बाकी के फंदे हम बुनेंगे। देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये 19 फंदे हमने बुने, और ये एक फंदा हम ये वाला छोड़ देंगे, ठीक। अब वापस आ जाइए सब इस तरफ। अब हम 18 फंदे बुनेंगे इस सिलाई पे, ठीक है। एक स्लिप करेंगे, देखिए 1, 2 स्लिप वाला काउंट करेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18, ठीक है। एक ऐसे छोड़ देंगे, वापस आ जाएंगे इस साइड। अब देखिए अब हम यहाँ पे 17 फंदे बुनेंगे, ठीक है। हर बार यही करेंगे, फिर हम 16 फंदे बुनेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, देखिएगा 17, ठीक है। अब वापस आ जाएंगे इस साइड। अब हम यहाँ से 16 फंदे बुनेंगे।
सा मैं तब तक करूँगी जब तक कि मेरे पास यहाँ पे सेंटर में 8 फंदे ना रह जाएं, ठीक है। 8 फंदे में जब रह जाएंगे तब मैं यहाँ पे फंदों को छोड़ना बंद कर दूँगी, ठीक है। तो पहले मैं इसको करती हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं 8 फंदे बनाऊँगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये देखिए 8, ठीक है। अब इधर हमारे फंदे रह गए, अब इधर भी हमारे फंदे आ गए। अब हम बैक साइड आ जाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे, 8 फंदे अब हमारे सेंटर में रह गए। अब हम यहाँ से लेके यहाँ से पूरे यहाँ तक उल्टे बना लेंगे। देखिए सभी फंदों को उल्टी साइड से है ना, तो इसलिए उल्टा ही बना लेंगे। मार्कर हटा देंगे अब। सीधी साइड से आ जाएंगे। अब देखिएगा सीधी साइड से हम ये सभी फंदे, इस तरफ के छोड़े हुए फंदों को भी हम सीधा बना लेंगे। पूरी लाइन हम सीधा बना लेंगे। लेकिन फंदों को भी हम सीधा बना लेंगे ये करके। अब देखिए अब इस साइड से उल्टा और इस साइड से सीधा, इधर से उल्टा इधर से सीधा, जैसे हमने यहां से यहां तक बनाया था ना, यहां से लेके यहाँ तक बनाया था, सेम वैसा ही सीधा उल्टा बनाते हुए मैं करीबन 38 लाइंस कंप्लीट कर लूँगी, ठीक है। 38 लाइंस बनाऊँगी। अब देखिए मैं तो ये बना रही हूँ अपने बच्चे के नाप का, ठीक है। एक चीज़ समझ लीजिए आप लोग, आपने इसे बनाना है अपने बच्चे के नाप का, तो आपने क्या करना है कि फुट ये ऊपर रखना है, घुटने से नीचे जितना भी ये एड़ी से नीचे का हिस्सा जो बनता है आप अपने बच्चे के फिंगर तक नाप लें, ठीक है। तो उस हिसाब से आप बना लें। मैं 38 लाइंस बनाऊंगी, आप बना लीजिए करीबन। अगर आपको 3 साल के बच्चे का बनाना है तो 2.5-3 साल के, तो 26 लाइन बना लीजिए, वो भी सफिशियंट रहेगा। ये यहाँ पे इस तरफ से सीधा और इस तरफ से उल्टा बनाते हुए मैंने ये जो है करीबन 38 लाइंस जो है कंप्लीट कर ली है, ठीक है। 38 लाइंस कंप्लीट करने के बाद एक चीज़ देखिएगा, आपको मैं अभी आपको मैंने एड़ी इधर से बनाना बताई थी, अब मैं आपको दूसरे पैर का बता रही हूँ, एड़ी मैंने इसमें इधर से बनाई है, ठीक है। अब ध्यान क्या रखेंगे कि अगर आपने एड़ी यहाँ से बनाई है, सबसे पहली चीज़ सुनिए कि ये जो हमारे पास यहाँ पे 42 फंदे हैं इसको हमें 21-21 फंदों में डिवाइड कर देना है, और अगर हमने एड़ी यहाँ से बनाई है, ठीक है, तो 21 फंदे हम इस साइड से गिनेंगे। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और एक 21, ये वाला, ठीक है। ये हो गया 21, क्योंकि एड़ी हमने अगर यहां निकाली है तो हमें 21 फंदे इधर से गिनने हैं। अगर एड़ी आपने इस साइड निकाली है, दूसरे पैर में आप इस साइड निकालेंगे एड़ी, एक पैर में इस साइड निकालेंगे, है ना, जिस पैर में एड़ी इधर निकालेंगे उधर हमें 21 फंदे इधर से गिनने हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अब क्या करना है देखिएगा, यहाँ से हमें पूरी सिलाई पूरी यहाँ तक बुनते हुए आना है और लास्ट में एक फंदा छोड़ देना, पहले फंदा स्लिप करके पूरी सिलाई को सीधा बुनते हुए आना है। देखिए मार्कर वाले फंदे को भी हम बुन लेंगे सीधा इस तरह से, सभी फंदों को बुन लेंगे सीधा। देखिए इस फंदे को हम छोड़ देंगे,
अब हमने यहाँ पे कितने फंदे बुने, यहाँ पे आएंगे ठीक है, मार्कर वाले फंदे को अब हम इस साइड से मार्कर वाले फंदे को छोड़ देंगे। जैसे हमने एड़ी बनाई थी सेम यही बनाएंगे ठीक है। देखेंगे कितने फंदे हैं, देखिए यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये देखिए सॉरी गाइस, ये देखिए इस फंदे को हम छोड़ देंगे ठीक है। हमने यहाँ पे 19 फंदे बुने। अब देखिएगा यहाँ पे आएंगे, जैसे हमने एड़ी बनाई थी मैंने आपको बताया सेम वैसे ही बनाना है। स्लिप करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18 बोल दिए ठीक है। अब हम इस साइड आएंगे। अच्छा ये ऐसा हम तब तक करेंगे, अभी हमने 18 फंदे बुने, अब हम इस लाइन में 17 बुनेंगे ठीक है। ऐसा हम तब तक करेंगे जैसे कि सेम एड़ी की तरह यहाँ पे हमारे पास 8 फंदे रह जाएंगे, फिर हम ऐसा करना बंद कर देंगे। देखिए 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो गया हमारा 8 ठीक है। अभी हमारे पास 8 फंदे यहाँ पे रह गए। अब हम क्या करेंगे, इस तरफ आ जाएंगे जैसे हमने एड़ी में किया था, उल्टी साइड से पूरे फंदे उल्टे बना लेंगे। सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे। बस एक चीज का ख्याल रखना है आपको कि अपोजिट साइड से नहीं हो ठीक है, सॉरी अपोजिट साइड ही होना चाहिए, एड़ी के अपोजिट साइड पंजा बनना चाहिए। देखिए अब यहां से सभी फंदे सीधे बना लेंगे, ये वाले फंदे भी सीधे बनाएंगे। सभी फंदों को सीधा बना लेंगे। ये देखिएगा, इसके बाद अगर आप चाहें तो यहीं पे बंद कर दीजिए, अदरवाइज आप चाहें तो एक सिलाई इसमें बना सकते हैं। अब देखिए मैं इसको यहीं पे बंद करूंगी ठीक है। अब बंद या तो आप सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर सकते हैं या फिर दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, जैसे अभी देखिए मैं बताती हूँ, और दोनों को एक साथ बंद कर दीजिए ठीक है। आधे फंदे हम बुन लेंगे यहाँ पे उल्टे, देखिए आधे फंदे बुन लिए। अब इसको हम इस तरह से उल्टा कर लेंगे, उल्टी साइड से बंद करेंगे, ऐसे दोनों को एक साथ बंद कर देंगे। देखिए एक फंदा यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से लेंगे, दोनों को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से, फिर एक ये लेंगे, एक ये लेंगे, दोनों को एक साथ निकाल देंगे, इसके ऊपर से हम इसे गिरा देंगे इस तरह से, फिर वही करेंगे, दोनों को एक साथ निकालेंगे, इसके ऊपर से इसे गिरा देंगे, इसी तरह से सभी फंदों को बंद कर लेंगे।
देखिए इस तरह से अब हम धागे को कट कर देंगे यहाँ से। अब देखिए इसको हम यहाँ से लेके पूरा इस तरह से सिल देंगे, इस तरह से पूरा स्टिच कर देंगे, ठीक है। अब देखिएगा ये इस तरह से आएगा, ये जो गोलाई है वो इस तरह से, मैंने आपसे इसलिए बोला था एड़ी अगर आपकी इस साइड बनानी है ना ये, तो ये आपको इस साइड करना होगा। अब देखिए दूसरे वाले पैर में देखिएगा एड़ी इस साइड है मेरी, है ना। अब यहाँ से मैं 21 फंदे काउंट करूँगी यहाँ से, और यहाँ से एक एक फंदा छोड़ते हुए जाऊँगी, ठीक है। तो इसको स्टिच करने के बाद दिखाती हूँ मैं आपको, ये वाली निडल यूज कर रही हूँ मैं स्टिच करने के लिए, ये देखिए। इसके बाद मैं यहाँ पे इसे सिल लूँगी, मैं फ्रंट साइड से ही सिल लेती हूँ, मैट्रेस स्टिच कर दूँगी इस तरह से, देखिए ऐसे। जैसे भी आप सिलना चाहें, सबका अपना अपना तरीका होता है स्टिच करने का, तो इस तरह से अच्छा आप यहाँ से लेके पूरा इसको पूरा यहाँ तक सिल लीजिएगा, ठीक है। फिर मैं देखूँ तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये सॉक्स पहनने के बाद काफ़ी अच्छी फिटिंग आई थी, थोड़ा सा मैंने बड़ा बनाया था, बच्चे मेरे 3 साल के हैं, ये आराम से 5 साल के साइज आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सॉक्स बनके कंप्लीट हो गया, स्टिचिंग मैंने देखिए यहाँ पर लगा ली है। अब आप एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, स्टिचिंग ऐसे ही लगानी है हमें कि या तो ये सिलाई दोनों सॉक्स की अंदर की साइड आए, ठीक है, इस तरफ और इस तरफ, है ना, इस तरह से आए, ऐसे तो खैर नहीं आ सकती क्योंकि ये तो फिर उल्टा हो जाएगा। देखिए इस तरह से आनी चाहिए दोनों सॉक्स, हम जो पैरों में इस तरह से डालते हैं इस पैर में, और तो ये सिलाई अंदर की साइड आए, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है आपको। और जस्ट वही करना है जैसे मैंने आपको बताया था, एड़ी जहाँ से निकाली है पंजे आपको अपोजिट साइड से निकालना है। वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, फिर आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं, कमेंट करते हैं ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, वीडियो को पूरा देखा कीजिए, उसके बाद अगर आपको ना समझ में आए तब आप पूछा कीजिए, तो मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी, है ना। वैसे मैं आपको रिप्लाई दे देती हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो को जिस जो बात मैं आप वीडियो में बताती हूँ वो बात अगर आप पूछते हैं ना, तो मुझे समझ में आ जाता है कि आप लोग वीडियो नहीं देखते, कट कट करके देखते हैं, इसलिए आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो और गाइस, दूसरा चैनल जो मेरा है ना, मेकअप स्टाइल विद अर्चना, एक बार उसे भी विजिट करके देखिएगा, मैं आपको हर आपके अपने हर वीडियो में बताती हूँ। तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे मैं मेकअप ट्यूटोरियल्स DIY ब्लॉग्स शेयर करती हूँ, काफ़ी तरह के स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आपको, हो सकता है आपको उस पर सॉल्यूशन मिल जाए कोई ना कोई अपनी प्रॉब्लम्स का, तो एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइज चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, कमेंट करके बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चलिए फिर बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।